जो नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल जिसको हमने लोकसभा में और राज्यसभा में वहाँ के सदस्यों की ब्लेसिंग से पास कराया, उसको अभी आपसे बात करते समय उसको राष्ट्रपति जी की भी जो है सहमति मिल गई है और वो अब बिल ना रहकर अब वो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट बन गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे इसके बारे में मिसकंसेप्शंस डाले जा रहे हैं। चौथी बात कि इसमें एक कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स का विषय है, और सबसे पहली बात तो यह है कि इसके बारे में क्या फैलाया जा रहा है कि सारे देश को क्वैक बना देंगे, सारे क्वैक्स को लीगलाइज कर देंगे। और बहुत सारे आप लोग भी लिख देते हो, कोई कह देता है, स्टेटमेंट देता है, आप लोग भी उससे पूछते नहीं हो भाई कैसे क्वैक बना देंगे, हमें भी समझाओ तो सही ज़रा जो है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे बिल में मतलब सच्चाई से इतना दूर और कुछ नहीं हो सकता जितना दूर ये बात है। क्वैक्स के संदर्भ में हमारा बिल ये कहता है कि पहले तो शायद कुछ 1000 था, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्वैक को 1000 रुपये की पनिशमेंट करती थी। ये बिल हमारा कहता है कि 1 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए की सज़ा, दो पेनल्टीज़ हमारे बिल में, 5 लाख रुपया और 1 साल की सज़ा। पहले क्या थी? 1000 रुपया क्वैक के लिए।